मारो इसको मारो छोटू मारो। ओ, 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 पागल हो गया। तुम बाल कटवाने गए थे तो मैंने सोचा पोछे ही लगा लूं। ऐसे जिम के कपड़ों में तो अब चेंज करूं फिर पोछा लगाऊं फिर चेंज करूं फिर जिम जाऊं। हेलो गाइस वेलकम बैक टू माय व्लॉग चैनल। स्वागत है आपका आज के व्लॉग में। अभी बज रहे हैं सुबह के 7। रात को जल्दी सो गया था और व्लॉग भी एडिट नहीं कर पाया तो अभी व्लॉग एडिट करना है और 10 बजे से पहले पोस्ट करना है। तो गाइस व्लॉग एडिट कर लेता हूँ। तो गाइस व्लॉग एडिट हो गया है। अभी विनय को उठाता हूँ जिम जाने के लिए। चलो उठाते आओ विनय भाई। उठ ले जिम जाना यार उठ ले भाई। मैं अभी नहीं मैं सुबह सोया हूँ। तू सो रहा है बहुत ठीक है। मैं चल लूंगा अभी नहीं जाऊंगा लेकिन यार भाई आधे घंटे में चल लियो। 2-3 घंटे की नींद लूंगा भाई। मैं क्या करूँ 2-3 घंटे। तू अपना कुछ भी कर। अबे चल ले यार क्या हो जाएगा एक घंटा जिम जाने यार। तू सो रहा था जब हम कुछ कह रहे थे तेरे को। मैं रात को सोया था। बेशक जब मर्जी सोया हो। इंस्टा का वो कहा तेरा वो कहा है पट्टा पट्टा कहा है तेरा पट्टा कहा है। ये भी सो रही है सिब्बू यहाँ देखो ले 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 ये ले जा ले भाई। भाग गया है अपने मैन के साथ पागल। कितना उतावला हो रहा है देखो। बाय बाय। तो गाइस ये विनय तो उठ नहीं रहा है। एक बार सिब्बू को उठा के वो ट्राई करता हूँ क्या पता ये उठ जाए। सिब्बू सिब्बू उठ जा उठ जा उठ जा। 5 मिनट जिम चलेंगे आजा। 5 मिनट को पक्का इधर देख के बोल पक्का चलेगी। रुक जाओ यार अभी थक गया। कितनी देर में चलेगी ये बता। गाइस ये भी नहीं उठ रही है क्या करूं मैं। वो कह रहा है 2-3 घंटे और ये तो पता नहीं ये तो नींद में इसने तो रिस्पॉन्स ही नहीं दिया कुछ भैया। भी ना भी ना सो के उठ रहा है ना सिब्बू सो के उठ रही है। तो एक बार नीचे जाके दुकान से कुछ खाने का लाता हूँ और फिर खुद ही खाना बना के खा लूंगा। उसके बाद मैंने सोचा है कि बाल कटवाने थे कटिंग करवानी थी खाना खा के कटिंग करवा लूंगा शेव भी करवा लूंगा फिर इनको उठाऊंगा दोनों को फिर इनको साथ लेके जिम जाऊंगा। तो भाई प्याज टमाटर और मिर्च काट लिया मैंने और इंस्टा बैठा हुआ है कि इसको भी कुछ मिल जाए। हालांकि मैंने इसको खाना दे दिया है जस्ट अभी लेकिन फिर भी भाई ये बिल्कुल नहीं उठ रहा। इसको इतनी बार उठा चुका हूँ और गाइस मैं तो जा रहा हूँ कटिंग करवाने। इंस्टा विनय को उठा दे। इंस्टा कम 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 उठा दे। इंस्टा विनय को उठा दे कम 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 बेटा। इंस्टा को मत मारियो रिकॉर्ड हो रहा है सब। सिब्बू देखेगी तो पीटेगी तेरे को पकड़ के। इंस्टा कम कम चल ले यार तू जा। तो भाई ये सिब्बू सो के उठ गई है जिम चलेगी। हैं हैं हाँ ना हाँ ना बोल ना। तो मैं एक बार कटिंग करवा के आ रहा हूँ इतने रेडी हो जा फ्रेश हो जा जो भी है मुंह वो धो ले अपना हल्का फुल्का कुछ खा ले। 40 मिनट से ज्यादा नहीं कर पाऊंगी मैं। हाँ तो इतना ही करना है स्टार्टिंग में। मेरा भी तो फर्स्ट है भाई मेरा भी तो दूसरा तीसरा दिन है। हो सकता है 25 मिनट आधे घंटे मैं भी बहुत हल्की करता हूँ। हल्की हल्की करके ही फ्लो बनेगा ठीक है। मैं बाल कटवा के आ रहा हूँ रेडी हो ले। और इसको खाना मत दियो मैंने दे दिया है ठीक है। देखा तुमने अभी कैसे आते उठते धक्का मारा। हाँ ऐसे ही करता है ये। गाइस चलो चलते हैं कटिंग करवाने के लिए। कटिंग करवाने के बाद सिब्बू को तो बोल दिया है कि भाई उठ जाएगी और मेरे साथ चल लेगी जिम में। तो उसने बोला कि चल लूंगी। इतने में कटिंग करवा के आ रहा हूँ वो ऊपर रेडी हो रही है। और ये है अपनी महिंद्रा की नई मर्राजो अपनी 700 जब तक नहीं आती यही चलाएंगे हम। ये भी सही गाड़ी है वैसे तो। चलो अभी चलते हैं यार धूप बहुत हो रही है भाई। सुबह के 9 बजे इतनी धूप हो जाती है ना पूछो मत। अभी तो मई की स्टार्टिंग हुई है। ये तो फिर भी मई है लेकिन अप्रैल में भी इतना बुरा हाल था। मार्च में भी गर्मी का इतना बुरा हाल था। जून में तो भाई गए खत्म जल के खाक भुन जाएंगे हम भुट्टे बन के। Yeah, I'm about to fade away, cause every time I wake up, I feel like it's Monday, something's going wrong. चलो भाई कटिंग कराने चलते हैं। गाड़ी यहाँ छाँव में पार्क कर दिया पेड़ के नीचे। भाई कटिंग वटिंग करवा लिया और शेव भी करवा लिया। अब थोड़ी सी लुक लग रही है ना सही तुम्हारे भाई की बढ़िया लग रही है ना। तो कमेंट में एक पुच्ची दे दो पुच्ची। तो चलो यार बकवास बंद करता हूँ और अभी चलता हूँ वापस। सिब्बू का भी फोन आ गया वो रेडी होगी होगी उसको उठा के फिर जिम जाएंगे। तो गाइस कटिंग वगैरह करवा के मैं आ गया हूँ। चलो अभी ऊपर चलता हूँ और सिब्बू को उठा के जिम लेके जाता हूँ। ये देखो भाई जिम की ड्रेस में घर की सफाई कर रही है जिम के कपड़े डाल के। तुम बाल कटवाने गए थे तो मैंने सोचा पोछे ही लगा लूं। ऐसे जिम के कपड़ों में तो अब चेंज करूं फिर पोछा लगाऊं फिर चेंज करूं फिर जिम जाऊं। ये देखो भाई इसको मेरे को एक बात तेरी समझ नहीं आ रही जिम के कपड़ों में पोछा क्यों लगा रही है तू। चलो छोड़ दूं। ऐसे कौन पोछा लगाता है। मैं रेडी हुई थी जिम जाने के लिए। हाँ पर तुम बाल कटवाने चले गए तो
तो तुम्हारा वेट करने लगी। मैंने सोचा इससे अच्छा पोछा लगा लेती हूँ, काम वाली नहीं आ रही, वार्म अप हो जाएगा। वो तो ठीक है, लेकिन ऐसे पोछा कौन लगाता है? गाइस देखो, हमें काम वाली की बहुत दिक्कत हो रखी है। अब देख लो, हमें सारा काम खुद करना पड़ता है, पोछा, झाड़ू। हमें या सिब्बू को? मेरे को पता था ये तो जरूर बोलेगी। तुम ऐसे क्यों बोलते हो? मेरे को पता था तो ये जरूर बोलेगी। ऐसे बोलो, सिब्बू को सारा काम खुद करना पड़ता है। तो गाइस हमें सारा काम खुद करना पड़ता है, हमें सारा काम खुद करना पड़ता है, हमें सारा काम खुद करना पड़ता है। तो गाइस प्लीज, कोई काम वाली हो गुड़गांव में तो बता दो यार, 24 घंटे के लिए हमें चाहिए, जो सारा काम कर सके, खाना भी बना दे, झाड़ू पोछा बर्तन वर्तन सब कर दे, नहीं तो गाइस हमें सारा काम खुद करना पड़ता है, आप देख सकते हो। वरना सिब्बू को सारा काम खुद करना पड़ेगा। सिब्बू को नहीं, हमें सारा काम खुद करना पड़ेगा। इंस्टा सिब्बू की हेल्प कर दे पोछा लगाने में। ओए चिटिया खा रहा है पागल, चल इंस्टा इसकी हेल्प कर दे पोछा लगाने में। दे भाग रहा है पोछे के नाम पे, जा उसकी मदद कर, जा जा सिब्बू की हेल्प कर, जा जा पोछा लगवा, जा जाना जाना। दे बिल्कुल नहीं जा रहा, नहीं जाएगा, मत जा, मत जा, चल मत जा, चल मत जा, चल 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 मत जा, चल 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 चल। अरे ढंग से बैठ के नीचे, पूरा हाथ डाल के ढंग से पोछा लगा। ओए अब जैसे आते मैं ऐसे लगा रही हूँ। ढंग से लगा, ढंग से तनखा काट ली जाएगी, वरना बैठ के नीचे पूरा हाथ लगा के कर। अभी पानी चेंज करके लाती हूँ ना, गंदा हो गया, फिर करूँगी। तो गाइस मैं रेडी हूँ बिल्कुल, जूते वूते सब डाल लिए, लोअर वगैरह, तो अभी चलते हैं जिम। चल सिब्बू आजा, इंस्टा कहीं छोड़, भाई चल ले यार, तू भी चल ले। चलो तुम दोनों जाओ। तू क्यों नहीं जा रहा? चल लूंगा। कब चल लेगा भाई? चल लूंगा। चलना अभी, तुम दोनों जाओ फिर मैं बाद में जाऊंगा। एक नंबर का आलसी है, तेरा नाम सही है, मोटा छोटा आलसी सुगला। कोई नहीं, सोता तो नहीं हो ना ज्यादा? सब सोता है, तू सोता है। इंस्टा इंस्टा उश उश उश। गाइस हम लोग आ गए हैं जिम, एनी टाइम फिटनेस। और भाई आज सिब्बू का फर्स्ट डे है इन जिम, सिब्बू का फर्स्ट डे इन जिम है, और 6 महीने पहले भी था इसका फर्स्ट डे इन जिम। अब डेली आ जाया करियो। तुम आओगे तो आऊंगी, अकेले नहीं आएगी। ये क्या बात हुई यार, जिम आने से मतलब होना चाहिए। मेरा क्या करेगी, अचार डालेगी जिम में? अकेले सही नहीं लगता। विनय को लिया अगर मैं नहीं होता तो? वो आता ही नहीं है, साथ आओ या अकेले, वो नहीं आता। तो उसको बोलना कि भाई आ साथ आ जिम में, सुनता ही नहीं है वो। और भाई ये जिम के कार्ड, ये सिब्बू का है, ये मेरा है, ले तेरा कार्ड, चल जा। सिब्बू 10 मिनट करनी है ट्रेडमिल पे, 10 मिनट वॉक करनी है, वॉक 5 मिनट, वॉक 5 मिनट रन, ठीक है? तो गाइस अभी साइकिलिंग कर रहे हैं, पसीने आ रहे बहुत, और सिब्बू कह रही है कि इसका पेट अटना स्टार्ट हो गया। पहले नहीं अटता था, डेली किया अगर वरना मोटी भैंस हो जाएगी। आया करो डेली लेके। हाँ डेली आया करेंगे गाइस जिम, आप लोग भी डेली बोलोगे जिम आने के लिए कि भाई डेली जिम आओ, डेली जिम आओ। कमेंट आते हैं सिब्बू दीदी मोटी हो गई, जिम भेजो, जिम आया कर, जिम भेजो अर्चित भैया है जिम को। तो गाइस अभी हम लोग स्ट्रेचिंग करेंगे थोड़ी सी, क्या कह रही है? पेट देख रहे हो कैसे हो गया आंटी कैसा? तो हो गया, तो जिम आया कर डेली, भैंस हो जाएगी भैंस। चलो गाइस थोड़ा वार्म अप कर लेते हैं। ओके ओके ओके, वार्म अप करे, वार्म अप करे, कर ले कर ले। देखो भाई इससे हो नहीं रही एक्सरसाइज। तो गाइस जिम हो गया डन, आज का चले। हाथ बहुत दर्द कर रहे हैं रचित, अभी तो सो के उठेगी जब रोएगी तू। अभी शूट करना है, अभी तो कर ले, जब सो के उठेगी जब रोएगी। फिर कल जिम लेकर आओगे? अगर कल आएगी तो ऐसे ही रहेगा, अगर तूने स्किप कर दिया ना फिर दोबारा आएगी सिर दर्द। तुम्हारे ऊपर वो करता, मैं तो आऊंगा तो तुम लेकर आना ना, ठीक है? तो गाइस अभी हम लोग आ गए हैं हांगकांग बाजार, और यहाँ से सिब्बू को अपना कुछ सामान लेना है, और मैं तो भाई वो सामने देख रहे हो फ्रूट जूस मैं तो पीऊंगा, बनाना शेक, और तू मिक्स फ्रूट। वैसे मेरा भी मन मिक्स फ्रूट पीने का कर रहा है, मैं अभी मिक्स फ्रूट ले लेता हूँ। एक तेरा मीडियम, हाँ मेरा लार्ज, चल ठीक है। तू अपनी क्रीम ले आ, मैं दो बनाना शेक। यहां से गेट नहीं खुलेगा, आगे पीछे करो थोड़ी गाड़ी। हाँ कर, लोग टकरा जाएगा। तो भाई अपने जूस हमने ऑर्डर कर दिया है, और भाई गाड़ी में ऑन छोड़ गया था, एसी भी चलता छोड़ गया था, क्योंकि आपको पता है गर्मी हो रही है बहुत, 5 मिनट के लिए भी एसी बंद करके बाहर जाओ ना तो धूप से गाड़ी बिल्कुल तप जाती है। अभी सिब्बू गई है सामने हांगकांग मार्केट में अपना कोई क्रीम वगैरह लेने के लिए, जूस बाकी मैंने ऑर्डर कर दिया है, अभी जूस दे जाएगा भाई 2 गिलास, मेरा लार्ज सिब्बू का मीडियम, मिक्स फ्रूट लिया मैंने भी। भाई ये अपने जूस तो आ गए हैं, लेकिन सिब्बू अभी तक नहीं आई है, ये सिब्बू का मीडियम रखा है ये वाला, और ये मेरा लार्ज रखा है ग्लास, पता नहीं कब आएगी यार, रख रखे मैंने बहुत देर से, फिर ये गर्म हो जाएंगे धूप में रखे रखे, मैं तो सोच रहा हूँ अपना वाला पी लूँ मैं। तो भाई इतना वेट करवाने के बाद ये आई गई है फाइनली,
कितना टाइम लगा दिया एक क्रीम लाने में? अरे वो ना एक शॉप पे थी नहीं, वो कन्विंस कर रहा था मुझे ये ले लो ये अच्छा है, फिर संगम बाजार से गई लेकर आई। तेरे वेट में मैंने जूस रख रखा दोनों की, आएगी तो पी लूंगा। तो साथ पियोगे? यही था, वरना फिर बोलती हूँ मेरे बिना जूस पी लिया। नहीं ऐसे नहीं बोलते, मैं छोटा। तो गाइस चलो ये ले भाई तेरा मीडियम है ये, और ये मैं अपना चीयर्स जिम के बाद जूस पीते हुए। वैसे ना मैंने प्रोटीन शेक मंगा रखा था वेट लॉस का, तो मैंने सोचा था वो जाके पीऊंगी, पर मेरा देख मेरे को तो नीड नहीं है वेट लॉस की, इतना वेट नहीं बढ़ा मेरा, थोड़ा बहुत है, मैं फिट हूँ वैसे, बस थोड़ी सी बॉडी एक्टिव रहे इसलिए जिम करना मेरे लिए जरूरी है, ताकि आलस ना आए मुझे दिन भर। वैसे मैं फिट हूँ, मैं जिम कर, पर तू फिट नहीं है वैसे, तू बहुत मोटी हो चुकी है। मैं जिम कभी नहीं जाती अगर मेरे को ना लोग कमेंट नहीं करते। मैंने कहा यार चलो चले जाते हैं। चल भाई सिब्बू गेट खोल दे। जी मालिक। देख गेट खोलने में कितना टाइम लगा रही है, बहुत बेवकूफ है, बहुत बेवकूफ। अभी इसको कुछ पता नहीं लग रहा मैं क्या बोल रहा हूँ, जब व्लॉग देखेगी ना तब पता लगेगा। ओ पागल, ओ ओ पागल, ओ पागल, कितना ही चिल्ला लो कुछ नहीं सुनाई देगा इसको, ओ पागल। चलो गाइस चलते हैं ऊपर। ये जो क्रीम लाई थी ये तो ले जा। ओ भूल गई, लड़कियां मेकअप करती है ना, तो मेरे को भी हुआ कि यार मैं भी करूं, मैं भी थोड़ी अच्छी लगूंगी। भाई लड़कियां मेकअप के साथ अच्छी लगती है, मुझे देखो नेचुरल ब्यूटी, बिना मेकअप के कितना सुंदर लगता हूँ मैं, है ना गाइस? कमेंट करो, पूछी दो कमेंट में। चल पाऊ, मेरे पे सूट नहीं करता मेकअप, मैं करता ही नहीं भाई, मैं तो बिना मेकअप के इतना सही लगता हूँ, कोई नजर ना लग जाए। अब जलेगी मेरे से, अब जलेगी, है ना? मैं क्यों जलूंगी, जलती है तू। तो गाइस अभी ऊपर जाके ये भी नहाएगी, ये अपना नहा के शूट स्टार्ट करेगी, फिर इसके बाद मैं नहाऊंगा और नहा के मैं जाऊंगा अपने शूट के लिए, लोकेशन देखने के लिए, मेरा शूट है, जल्दी शूट है तो लोकेशन देख के आऊंगा। कमेंट करके बताओ कि कौन सी वीडियो आने वाली है मेन चैनल पे, क्या शूट कर सकता हूँ मैं, कोई टाइटल या टॉपिक क्या हो सकता है, कमेंट करो, गेस करो, गेस। इंस्टा गेट खोल, तूने खोला क्या है? टमाटर खा रहा है ये, इसने दिए होंगे पक्का। ओ आलसी, छोटा मोटा आलसी। ओ माय गॉड, ये देखिए, ये गाइस ये देखिए कुकिंग कर रहा है लेकिन सामने फोन रख के। वाह, ये देखिए गाइस इसको। अरे मत कर यार, शर्मा लो, शर्मा लो, थोड़ी शर्म कर लो। मारो इसको, मारो छोटू मोटू। ओ ओ हो, पागल हो गया, अरे बता दे, भूत आ गया, भूत। तो भाई विनय ने आज बनाया है दाल चावल, खा के देख फिर बताइए। एक घंटे सोना के साथ वीडियो कॉल पे रहके। ओ ये अचार, अचार खा रहा है, इसको भी दे दे भाई। कैसा जानवर है ये, गेंडे की तरह बस खाता रहता है, खाता रहता है, खाता रहता है। इंस्टा तेरे को नहीं दे रहे, इंस्टा तेरे को नहीं दे रहे, नहीं दे रहे। कैसे बने हैं? अच्छे हैं, नमक दे दो बस, मेरे को कम है। तो गाइस मैं अभी थोड़ा खाना खा लेता हूँ, उसके बाद मैं जाऊंगा लोकेशन देखने के लिए शूट की। बर्तन मांजेगा? क्या कह रहा है? बर्तन मांजेगा भाई, मैं खा नहीं रहा। ये क्या बात है, कभी नहीं खाएगा? आज नहीं खा रहा, ठीक है। ये बर्तन ऐसे पड़े रहेंगे, जिस दिन तू खाएगा उस दिन धो दियो। बोल जल्दी, कह रहा हूँ मेरे को कहेगा सिर्फ धो दे जा। भाई मेरे को लेट हो रहा है, मेरे को बहुत काम है। कोई नहीं, आगे कर दिया, हम कहीं नहीं जा रहे, मैं सुबह आऊंगा। अब कोई सुनिए भाई, बहुत सारी प्लेट है, डिस्पोजल ले आऊंगा भाई मैं। कोई नहीं, मोटे गेंडे, मोटा गेंडा ऊपर काम चोर नहीं हूँ, आलसी तो है, आलसी होता तो शायद बना नहीं रहा होता। तुम दो दिन से जिम जा रहे हो तो उसको मोटा गेंडा कह रहे हो? तो यही मोटा गेंडा, मैंने इसको बोला कि भाई चल ले, कह रहा नहीं जाऊंगा। मैं आलसी होता तो मैं खाना बनाता। तो गाइस खाना खा लिया, खाना खा के अभी निकल रहा हूँ लोकेशन देखने के लिए। ये देखो गाइस स्कूटी पे ना ये चार बंदे जा रहे हैं भाई, कभी हम भी ऐसे चार चार बंदे, हम तो पांच पांच भी बैठ के घूमते थे, आगे जो पायदान होता है ना उस पे भी बैठ जाता था एक बंदा नीचे झुक के। और गाइस ये आ गया सामने अपना उड्डा मेट्रो स्टेशन, मतलब अपना तो नहीं है, डीएमआरसी वालों का है, लेकिन वैसे रस्ते में पड़ रहा है मेरे। अभी भाई यहाँ से जाना मेरे को सीधा, और मेरे को लगेंगी 20 मिनट और। यहाँ से भी मैं जा रहा हूँ एक भाई के पास, और फिर उस भाई को लेके लोकेशन देखने जाएंगे। ये भाई आ गया हमारे प्रतीक भाई, हेलो क्या हाल है भाई? ये सामने इनकी दुकान है, आयुष्मान मेडिकल स्टोर, किसी को कोई भी बीमारी बीमारी हो, गोली दिक्कत, दवाई हर चीज की दवाई 2 मिनट में, होम डिलीवरी भी है भाई, होम डिलीवरी भी है सही में, बिल्कुल भाई। किसी को गुड़गांव में कोई दिक्कत हो, कुछ भी हो, होम डिलीवरी है, दवाइयों की सीधी, हर प्रकार की बीमारियों का इलाज, हर प्रकार की बीमारियों का इलाज। इलाज करते हो, दवाई देते हो? दवाई देते हैं यार। इलाज भी करते हो? इलाज भी कर देंगे, और किसी का बजट नहीं हो हॉस्पिटल जाने का तो ये इलाज भी कर देंगे, तो इलाज की भी होम डिलीवरी है क्या? इलाज की होम डिलीवरी नहीं हो सकती यार, यही आना पड़ेगा, यही आना पड़ेगा उसके लिए। तो देख लो भाई, आ जाना भाई, चले भाई लोकेशन देखने चले। भाई अपनी लोकेशन पे पहुंच गए हम, पर लोकेशन दिखाऊंगा नहीं, वरना आपको पता लग जाएगा कि कौन सी वीडियो आएगी।
तो वो आप डायरेक्ट वीडियो में देखना क्या लोकेशन है और किस चीज़ की वीडियो है, इतने आप गैस करो कमेंट्स में। तो गाइज हमने अपनी लोकेशन फाइनल कर लिया भाई, चले अब बताएंगे नहीं ब्लॉग में, नहीं बताएंगे वरना लोगों को पता लग जाएगा कि किस चीज़ की वीडियो आएगी। तो चलो गाइज अभी चलते हैं वापस घर। अरे बंद हो जा। ठीक है भाई वापस घर चलते हैं, गाड़ी मोड़ लेता हूँ, भाई को बिठा के घर छोड़ देता हूँ दुकान पे, मेडिकल स्टोर पे। चलो भाई भाई को छोड़ देते हैं दुकान पे। बाय ब्रो, बाय बाय। तो गाइज मैं पहुंच गया हूँ वापस से और ये देखो शूट चल रहा है यहाँ पे। चल रहा ओ वाह, ये नहीं दिखाना सॉरी। बढ़िया शूट हो रहा है, लाइटिंग वाइटिंग बढ़िया कर रखी है विनय ने। लाइटिंग हम दिखाएंगे नहीं वरना कुछ लोग कॉपी मार लेंगे। हो गया कितने सीन रह रहे हैं? एक आखिरी है बस, एक ही करना था। अभी मैं स्क्रिप्ट प्रिंट करवा रहा हूँ फिर मेरा भी शूट है। मैं हूँ। कब है? हाँ हाँ तू भी है, शूट कब है? तू भी है। एक एक वीडियो में मेरे को मत रखो इसमें। चल कब है? अभी प्रिंट निकलवा लो फिर उसके बाद बताऊंगा ना। बता देना अगर एक आग हुआ तो ठीक है। चल मैं देख लूंगा। कैसे कैसे हो विनय के चाहने वालों? भाई तेरे को स्क्रिप्ट भेज रहा हूँ, उसको प्रिंट निकाल दे फिर मैं तैयारी करूंगा। चलो भाई मैं अंतरिक्ष में जा रहा हूँ। कैसे हो विनय के चाहने वालों? मैं विनय कैमरे के साथ। कैसे हो मेरे यूट्यूब के चाहने वाले दोस्तों? कैसे हो विनय के चाहने वालों? चांदनी चौक का सबसे बड़ा कैमरा बेचने वाला विनय सेम बोला। चप्पल चोर, छपरी टिकटॉकर, यूट्यूबर। ये गले में चैन पहनते ताकि कोई कोठी बंगले वाली की लड़की को लगे कि ये कोठी बंगले वाले हैं। ये आजकल के चांदनी चौक के 30-30 रुपए वाली चेन डाल के तो तोले की बताते हैं ताकि कोई लड़की सेट हो जाए। नहीं, ताकि किसी लड़की को लगे कि ये लड़का किसी कोठी बंगले वाला लड़का है। शूट कर रहा हूँ भाई। हाँ करता हूँ कॉल। आजकल के लड़के हेलो को हेलियो बोलते हैं। तो गाइस अभी तो यहाँ सो गया है देखो। ओहो व्लॉग का नाम सुनते ही उठ गया। बाकी गाइस मैंने तो अपने स्क्रिप्ट के प्रिंट आउट निकलवा लिए भाई, 30 पेज की स्क्रिप्ट है। अभी ये बैठ के सारी रिव्यू करूंगा, अच्छे से इसकी प्लानिंग करूंगा और शूट प्लान करता हूँ। तो गाइस मेरे को तो बहुत काम है लेकिन ये लोग मेरे सर हुए हुए थे कि बर्तन धो लो बर्तन धो लो। बर्तन थैंक यू। मैंने तो बोला ही नहीं धो लो, बहुत सर हो रहा था मेरे। उठ जाए तो उसको यही बोलना कि तुमने धोए हैं फिर वरना मेरे सर होगा। ठीक है, जैसे व्लॉग तो देखेगा ही नहीं है जब तक के लिए तो शांत होगा आज के लिए। सिब्बू उठ जा, शूट है ना तेरा। उठ फिर जल्दी उठ, चल सो गई शूट छोड़ के बीच में। ओ भाई ओ, ओ उठ जा भाई, बचा हुआ शूट छोड़ के सो गया वो। बाहर देख ग्रीन स्क्रीन लगी हुई है, शूट तो कंप्लीट कर दे एटलीस्ट। हाँ तो मेरा ही सीन है, वो आ रहा हूँ। हाँ तो उठ ना। ओहो तेज काटता है। अच्छा जी इतनी हिम्मत बेड पे चढ़ गया इंस्टा नो। तो भाई सारी स्क्रिप्ट वगैरह मैंने अच्छे से गो थ्रू कर लिया है, सारी अरेंजमेंट्स भी कर लिया है। तो भाई कल है मेरा शूट, ठीक है। ये देखो भाई बहुत बड़ी स्क्रिप्ट है, दो पार्ट में बांट रखी है, इतनी मोटी स्क्रिप्ट है ना, 30 पन्नों की स्क्रिप्ट है। कोई नहीं कल शूट है करेंगे। बाकी गाइस कल सुबह मिलेंगे 10 बजे नए व्लॉग के साथ। बाय बाय गाइस, लव यू, टेक केयर, लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब जरूर कर देना। बाय 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 बाय।